न्यू रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें, उससे आपको मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो बच्चे हों या बड़े, ये मफिन्स किसे पसंद नहीं आएंगे। आज की आप इस मेरी वीडियो में मफिन्स बनाना देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मफिन्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास मफिन मोल्ड्स हैं, तो इसे हम ग्रीस कर लेंगे बटर या ऑयल से। मेरे पास ये मफिन मोल्ड्स हैं, आप चाहें तो किसी भी सिंपल स्टील के बाउल में इन्हें बना सकते हैं। इसके बाद हम ग्रीस किए हुए मोल्ड्स में ये सूखा मैदा छिड़क देंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके सारे मोल्ड्स में सूखा मैदा छिड़क दें, इससे हमारे जो मफिन्स हैं वो इजिली बाहर आ जाएंगे। अगर आप मफिन्स के लिए स्टील का बाउल ले रहे हैं तो वो छोटे साइज का ही लें और इक्वल लें, उससे आपके मफिन्स अच्छे बनेंगे उसमें भी। तो यहाँ पे मेरे सारे मोल्ड्स जो है रेडी हो गए हैं, और जो एक्स्ट्रा मैदा है वो मैंने निकाल दिया है इस तरह से। तो यहाँ पे मोल्ड्स हमारे बिल्कुल तैयार हैं, तो इसे हम साइड रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हम कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी हैवी कढ़ाई लें। इसके बाद हम इसमें 1 कप ही नमक डाल देंगे, तो नमक हम बेकिंग के लिए यूज करते हैं, इसे स्प्रेड कर दें। तो इसके बाद हम इसमें जाली रख देंगे, तो यहाँ पे जाली जो है एकदम फिट हो गई है, आप चाहें तो किसी स्टैंड को रख के फिर जाली रख सकते हैं। गैस को हम यहाँ पे मीडियम कर देंगे और इसे अच्छे से कवर कर दें, और 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे हम एक बोल में ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे, तो 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर ले लेंगे और 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे बेकिंग सोडा ले लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे अच्छे से। तो इस बोल को हम साइड रख देंगे और दूसरे बोल में हम ये बटर डाल देंगे रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे 1/4 कप बटर लिया है, 1/4 कप यहाँ पे मैंने फ्रेश दही ली है, और 1/2 कप यहाँ पे हम पाउडर शुगर डाल देंगे, पिसी हुई चीनी, और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड विस्कर से ही बीट कर सकते हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो इतना ही हमें इसे बीट करना है। और अब हम डालेंगे इसमें ये 1/2 कप दूध, तो यहाँ पे दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और यहाँ पे हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के रखे थे उसकी आधी आधी मात्रा में हम इसे मिला देंगे इसमें। तो पहले 1/2 डालें और बाकी का बाद में यूज़ करेंगे, तो 1/2 मिलाने से बैटर में लम्स नहीं पड़ते हैं। तो बाकी का भी मैंने डाल दिया है, और इसे हम कट एंड फोर्थ मेथड से मिलाएंगे, और आप देख ही सकते हैं इस तरह से आप मिलाएंगे तो आपका जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा थोड़ी देर में। तो इस तरह से हमें बैटर को अच्छे से स्मूथ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वनीला मफिन्स बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच वनीला एसेंस डाला है, आप कोई भी एसेंस डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसे मिला दें, हमें इसमें बीटर यूज नहीं करना है, बीटर ना चलाएं इसमें, और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख ही सकते हैं। और हम बैटर को ग्रीस किए मोल्ड्स में डाल देंगे। तो यहाँ पे मफिन मोल्ड्स को हम पूरा फिल नहीं करेंगे, हम इसे 1/2 ही फिल करेंगे, नहीं तो जो बैटर है वो बाहर आ जाएगा और मफिन्स की शेप भी अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने सारे मफिन मोल्ड्स को फिल कर दिया है, और इसे हम टैप कर देंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। और यहाँ पे हमारे मोल्ड्स बिल्कुल रेडी हैं, तो ले चलते हैं बेक करने की तरफ। तो यहाँ पे कढ़ाई जो है प्री हीट हो गई है, तो इसमें हम यहाँ पे जाली के ऊपर अपने मफिन्स के जो मोल्ड्स है उन्हें रख देंगे। तो अच्छे से सेट करते हुए सारे मफिन मोल्ड्स रख दें, और इसे हम अच्छे से कवर करेंगे। तो गैस को मीडियम कर देंगे और 20 से 25 मिनट तक बेक होने देंगे। तो 25 मिनट बाद यहाँ पे मैंने कवर हटाया है, तो इसे हम चेक कर लेंगे टूथपिक से, और टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है, और आप देख ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा फ्लफी बने हैं। और यहाँ पे मैंने मोल्ड्स को निकाल लिया है कढ़ाई से, और इसे हम ठंडा होने देंगे पूरी तरह से, और ये जो नमक है आप दूसरी बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो गैस ऑन करके एक बर्तन में हम ये 100 ग्राम क्रीम डाल देंगे। तो यहाँ पे फ्रेश क्रीम ली है मैंने, इसे लगातार चला लें, और कुछ सेकंड बाद आप देखेंगे कि इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो हमें गैस को तुरंत ही ऑफ कर देना है, और इसमें हम ये चॉकलेट डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है, हम यहाँ पे चॉकलेट का ये गनाश बना रहे हैं, तो इसे लगातार चलाते रहें, और चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाएगी इस तरह से। तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। तो तब तक हम मफिन्स को अनमोल्ड कर लेंगे। तो मफिन्स को आप ठंडा होने के बाद ही अनमोल्ड करें, उससे ये इजीली निकल जाते हैं। तो पीछे से इसको टैप करें और ये बहुत ही ईजिली निकल जाएगा इस तरह से। तो इनकी शेप ख़राब ना हो तो मैंने इसमें नाइफ से कट नहीं किया है साइड में, और आप देख ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं, ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो सेम इसी तरह से हम सारे मफिन्स को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मफिन्स बहुत ही ईजिली निकल जाएंगे, और मफिन्स हमारे बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं, और चॉकलेट भी यहाँ पे जो है जम गई है, आप देख ही सकते हैं। तो इसको हम अब यूज़ कर लेंगे मफिन डेकोरेशन में। तो मेरे पास ये स्टार शेप का नोज़ल है, तो नोज़ल को पाइप इन बैग में लगा के इसे हम ग्लास में रख के अपना ये गनाश डाल देंगे सारा। तो यहाँ पे जो भी हमने गनाश बनाया है वो इसमें हम सारा डाल देंगे,
और बस हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी डेकोरेशन करनी है जो भी आपको आती हो। तो बस मैं इसे राउंड राउंड घुमा के इस तरह से एक डिज़ाइन बना देती हूँ जो कि मफिन पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारे मफिन्स पे मैं यही डिज़ाइन सेम बना रही हूँ। तो मफिन्स पे डिज़ाइन बनाने के बाद हम इस पे कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल देंगे जो कि बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप इन पे स्प्रिंकल डाल दें और आप देखेंगे कि आपकी जो मफिन्स हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मफिन्स की डेकोरेशन हो गई है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप इस मफिन्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कितने अच्छे लग रहे हैं। जितने ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ही खाने में टेस्टी हैं। बच्चे इन्हें देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं, तो आप भी इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करें, उन्हें भी ये बहुत पसंद आएंगे। तो मेरे घर में भी बहुत ही रिक्वेस्टेड रेसिपी थी ये जो कि मेरे बेटे ने बनवाई थी, तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि उसका क्या रिएक्शन था और क्या व्यू रहा मेरे घर का।